आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और विकास सेठी से हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की मार्केट्स पे अप्रोच क्या रखनी चाहिए। एसएस निफ्टी फिलहाल 4 पॉइंट्स के आसपास से गिरावट शो कर रहा है, लेकिन कुछ खबरें जहां पर असर देखने को मिल सकता है उसमें एक है मदरसन सुमी पर। खबर यह है कि प्रमोटर ने कंपनी के शेयर गिरवी रखे हैं और 2 दिसंबर को 11 लाख शेयर जो है वो गिरवी रखे गए हैं। ऑटो इंडस्ट्री स्पेस पे पकड़ थोड़ी हल्की पड़ती हुई नजर आई थी पिछले सत्र में। विकास जी, मदरसन सुमी इस पर आपकी राय या फिर अन्य कोई स्टॉक जो ऑटो इंडस्ट्री में आपको पसंद हो? देखिए, जहाँ तक ये न्यूज़ है ये तो बाजार इसको थोड़ा नेगेटिवली देखेगा और स्टॉक में आज दबाव रहना चाहिए, बट मदरसन सुमी एज ए कंपनी एक अच्छी, फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है लंबी अवधि के नज़रिए से गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। इट्स अ गुड कंपनी और स्टॉक में जो फॉक्सवैगन के साथ जो पिछले कुछ 6-8 महीने पहले जो तकलीफें हुई थी उसके कारण से स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया है अपने पीयर्स को इसी स्पेस में, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में जो भी डाउनसाइड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सी है। बट आज ये नेगेटिव न्यूज़ पे बिल्कुल स्टॉक के एक नेगेटिवली रिएक्ट करना चाहिए। और जहाँ तक ऑटो इंजीनियरिंग स्पेस में और कंपनीज का सवाल है, आज के लिए मुझे जो एक स्टॉक पसंद आता है वो है प्राइकॉल। मुझे लगता है जिस तरह के हमने प्राइस वॉल्यूम एक्शन फ्राइडे को इसमें देखे थे, स्टॉक में बिल्कुल आज एक बढ़त रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। प्रिकॉल बायकॉल ऑटो इंसरी स्पेस से। वहीं मिस्टर सेठी मानते हैं मदरसन सुमी नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से कमजोर हो सकता है आज के सेशन में। एक स्टॉक जाइडस वेलनेस का रहेगा, खबर पॉजिटिव है। एक तो पेटेंट से जुड़ा हुआ जो मामला था वो कंपनी ने सुलझाया है यूएस में, और साथ ही यूएस में अल्सर की दवा भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। स्टॉक 849 पर प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ था, लेकिन मिस्टर सेठी क्योंकि सेंटिमेंट्स कमजोर हैं मार्केट में, तो ऐसे में हो सकता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स प्रिफर्ड चॉइस रहे ट्रेडर्स की। जाइडस वेलनेस को आप कैसे देखते हैं आज के सेशन में? देखिए दीपाली, न्यूज़ पॉजिटिव है उस पर स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, और बाजार भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुलने के आसार नहीं नज़र आ रहे, तो मेरे ख्याल में इस स्टॉक में बिल्कुल एक बढ़त बन सकती है। और वैसे भी फार्मा एज ए स्पेस पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब एक तो यूएस एफडीए से काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, फिर जो दिग्गज कंपनियाँ हैं जैसे सन फार्मा है वहाँ पे भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, डॉक्टर रेड्डी है, औरबिंदो फार्मा है, तो ये सब जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक बिल्कुल अच्छी न्यूज़ फ्लो के चलते भी, और चूंकि वो काफ़ी क्वार्टर्स से बीटन डाउन है और अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, और फिर डॉलर जो रुपये में भी जो वीकनेस है उसका भी फार्मा कंपनियों को फ़ायदा होता है, तो ऑल इन ऑल एज ए सेक्टर अच्छा लगता है, खास करके बिकॉज दे आर बीटन डाउन, तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। M&M के ऊपर खबर यह है कि बोर्ड ने महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड के टू व्हीलर्स अंडरटेकिंग के डीमर्जर को मंजूरी दी है। M&M के लिए खबर है, और FY16 में टू व्हीलर अंडरटेकिंग का टर्नओवर आपको बता दें कि 583 करोड़ के आसपास का था। M&M, सेठी साहब ये कैसा लग रहा है स्टॉक, और ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स पे पिछले सत्र में कुछ बिकवाली देखने को मिली थी, क्या ऑटो नंबर्स के बाद कोई स्टॉक ऐसा है जो पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है अभी? देखिए, जहाँ तक नवंबर के सेल्स के नंबर्स आए थे तो वो कुछ एक कंपनियों ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया, जैसे मुझे जहाँ तक ध्यान आता है आइशर मोटर्स ने जो नवंबर के सेल्स के नंबर्स थे काफ़ी इनकरेजिंग थे, फिर मारुति के भी नंबर्स अच्छे थे, तो इन सब कंपनियों ने नवंबर में अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, बट डीमोनेटाइजेशन का सर्टनली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बिल्कुल 1-2-3 महीने तक देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल ये पूरा सेक्टर अच्छा लगता है। जिस तरह से जो इंडिया में लोगों के पास जो इनकम्स बढ़ रही है, अच्छा मानसून हुआ है, 7th Pay Commission की रिकमेंडेशन लागू हो गई है, GST इंप्लीमेंट होगा, फिर आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक रिकवरी का डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक आने वाले 3-5 दिनों के लिए मुझे लगता है बजाज ऑटो, जिन्होंने खराब नंबर्स जरूर पेश किए थे नवंबर में, बट जो भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी अच्छा था, कल भी जो फ्राइडे के दिन भी फैग एंड में अच्छी एक क्लोजिंग करी है स्टॉक ने, मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल एक तेजी बन सकती है। और इसमें एक और ट्रिगर रहेगा कि ये एक 15 दिसंबर को अपनी एक नई बाइक डोमिनर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एक बाजार पॉजिटिवली देख सकता है, सो आई वुड हैव एन आई ऑन बजाज ऑटो फ्रॉम द ऑटो स्पेस। तो बजाज ऑटो पर नजर है मिस्टर सेठी की, ऑटो स्पेस है ये स्टॉक इनको अच्छा लग रहा है, और पिछले सेशन में आप देखें तो आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो ये दो ऐसे शेयर्स थे जहां पर रुझान पॉजिटिव था। आइशर मोटर्स में इनफैक्ट 2-2.5% की बढ़त हमने देखी थी, लेकिन एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग ये है कि ऑलरेडी जियो के कंसर्न्स के बाद इन स्टॉक्स की हमने काफ़ी हैमरिंग होती हुई देखी थी, और अब इस डीमोनेटाइजेशन के बाद भी एक मिक्स्ड
अप्रोच के साथ इन स्टॉक्स को देखा जा रहा है? पहले तो जब 500 के पुराने नोट इस्तेमाल होने की बात हुई कि आप अपने प्रीपेड चार्जेस के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब काफी वाइब्रेंसी रजत हमने इन स्टॉक्स में देखी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर और है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर से आई है। उन्होंने कहा है कि आप पैसे जमा कीजिए और फ्री टॉक टाइम पाइए, यानी अगर आप पैसे जमा कराते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में तो आपको एक रुपए का जो टॉक टाइम है वो फ्री मिलेगा, साथ ही बचत खाते में जमा पर भी 7.25% का ब्याज। तो जो पेमेंट बैंक्स हैं वो वैसे भी काफी विन विन साइड में रहे हैं इस डिमोनेटाइजेशन के बाद, और ऐसे में ग्राहकों को अगर ऑफर दिया जाएगा तो डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, एक रुपए जमा कराने पर एक रुपए का टॉक टाइम, और ऊपर से जो ब्याज दर मिल रही है कि किसी भी बैंक के मुकाबले 7.2% की ब्याज दर, 2.5% की ब्याज दर बहुत ल्यूक्रेटिव है, और कहीं ना कहीं जो प्रमोशनल ऑफर निकाला गया है बहुत ल्यूक्रेटिव माना जाएगा। जहां पर आपको डिपॉजिट्स पर कम ब्याज मिल रहा है वहां पर अगर एयरटेल पेमेंट बैंक 7.25% का ब्याज देगा तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को। तो इंटरेस्टिंग खबर है, आप कुछ कॉमेंट ऐड करना चाहेंगे मिस्टर सेठी इस पर? देखिए दीपाली, जहां तक टेलीकॉम स्टॉक्स का सवाल है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नजर रख सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे ये अवॉइड ही लगता है, बिकॉज मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में कंपटीशन बढ़ रहा है जियो की एंट्री के बाद, और इनके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी दिक्कतें देखी जा रही हैं। बट जो दिग्गज दो कंपनियाँ हैं, भारतीय एयरटेल और आइडिया, दोनों में ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो एक्सपेक्टेड है। दोनों अपने टावर एसेट्स की डील कभी भी मटेरियलाइज हो सकती है, ऐसी न्यूज़ फ्लो आती है। तो जिस अगर किसी को ट्रेड करना हो तो इस न्यूज़ पे फोकस करके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिए आपसे मिस्टर सेठी कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है आपको टेलीकॉम में? ये मैंने कहा कि जिस तरह के न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, जैसे कुछ दो चार दिन पहले ये भी था कि आइडिया के भी टावर एसेट्स की डील मटेरियलाइज होने जैसी है, तो हो सकता है आइडिया में जब भी ये न्यूज़ फ्लो आए तो उसका एक इंतजार करते हुए हो सकता है 10-1% का हम स्पाइक देख सकते हैं। तो आइडिया में बिल्कुल एक नज़र रख सकते हैं, अगर ये डील मटेरियलाइज होती है तो डेफिनेटली वो एक ट्रेडिंग पॉपअप मिलेगा और उसमें फिर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। जी, जय ठक्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं शेयर खान से। जय, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर आज आप क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रेकमेंड कर रहे हैं व्यूअर्स को, और कुछ ट्रेड जो आपने इंटरडे के लिहाज से आइडेंटिफाई किए हों? गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, ओवरऑल यू नो निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल एक फिर से हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल गया है। हाई लेवल से अराउंड 8202 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है ऑन दी अपसाइड दीपावली, और जब तक वो क्लियर नहीं करता प्रोबेबिलिटी ये है कि 7980 की तरफ निफ्टी अब यू नो गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने मिले। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 20 DMA के आसपास से निफ्टी में रिवर्सल देखने मिला, साथ ही साथ 200 DMA के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल से अभी भी निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। तो ओवरऑल बेरिश सेटअप जो है वो बहुत ही क्लियर है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों ही पर। आई थिंक निफ्टी पर सेल करने की सलाह रहेगी 7980 के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 8202 का। बैंक निफ्टी भी मुझे ऐसा लग रहा है दीपाली करीबन 17,700-17,750 के लेवल देखने मिल सकते हैं जब तक 18,560 के ऊपर ट्रेड नहीं करता। लेकिन ढक्कर साहब, यहाँ पर बिकवाली या फिर खरीदारी आज के पर्सपेक्टिव से कहाँ करनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बताइए सर कहाँ पर देखने को मिलेगी? जय जी, आवाज आ रही है आपको मेरे लिए? जी जी जी, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जय जी कहां पर देखने को मिलेगी आज? श्योर, सी ओवरऑल रजत, ऑटो सेक्टर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति में जो हिसाब से एक शार्प सेल ऑफ हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला, तो मारुति में मुझे ऐसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड 48-50 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ऑन दी अपसाइड एक स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 51-30, 51-40 के आसपास। IGL जिसमें काफ़ी एक बेरिश ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, मुझे लग रहा है कि IGL में भी एक शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है, लगभग 30-40 रुपीज़ डाउन साइड यहाँ से इस लेवल से देखने मिल सकती है। ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 830 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी एक शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है, तो IGL एक शॉर्ट पोजीशन रहेगी। और बैंकिंग सेक्टर में फेडरल बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 64-64.5 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जब तक ऑन दी अपसाइड 70.80-90 के लेवल्स क्लियर नहीं होते, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो तीनों में शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी मेरी। जी, तो तीन ट्रेडिंग आइडियाज बताए हैं, तीनों पर ही सेल कॉल है जैक की ओर से। IGL का इन्होंने जिक्र किया, तो एक महानगर गैस पर कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि खबर है कि महानगर गैस ने PNG कीमतों में बढ़ोतरी की है और 85 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है, और बढ़ोतरी के बाद जब डोमेस्टिक PNG प्राइसेज हैं वो 24.42 के आसपास आ चुके हैं। महानगर गैस पर मिस्टर सेठी आपकी राय क्या है? नहीं दीपाली, एक अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है लिस्टिंग के बाद से भी,
और मुझे लगता है ऑयल एंड गैस एज ए सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए, तो आई वुड कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन महानगर गैस लिमिटेड। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज फ्लो पे डिपेंड करेगा। अब आज ये न्यूज़ पॉजिटिव है तो स्टॉक में बिल्कुल एक पॉजिटिव रिएक्शन देखना चाहिए, बट कोई भी गिरावट में इस स्टॉक में निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए। एक है MMTC सरकार की कंपनी में 15% हिस्सा बेचने की योजना है। देखिए पिछले सत्र में चाहे वीक पड़ा हो लेकिन उससे पहले निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी MMTC पे होती हुई नजर आई थी। जय, अगर टेक्निकल पैटर्न्स देख पाए जो वीकली क्लोजिंग हुई MMTC की, उस आधार पर स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? वेल ओवरऑल MMTC देखिए, यू नो रजत, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपने कहा कि एक यू नो बिकवाली देखने मिली थी, और ओवरऑल भी ये स्टॉक काफ़ी वीकली चार्ट्स पर अगर मैं देखूँ तो एक लोअर टॉप स्लो बॉटम ही बनाते आया है। आई गेस ओवरऑल मेटल पैक में तो काफ़ी एक स्ट्रेंथ देखने मिली थी, बट MMTC एक यू नो ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है रजत कि इसके रेजिस्टेंस लेवल नियर टर्म में तो 48 के आसपास और 49 के ऊपर 49 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है और बहुत ही बिक वाली वो लेवल से देखने मिलती है। तो जब तक वो लेवल्स क्लियर नहीं होते गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में हमें यू नो फियर बट यू नो 35 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो आई एम वेरी बेरिश ऑन MMTC। आई थिंक इसमें इंडिकेटर्स भी काफ़ी सेल मोड में ही है, तो ओवरऑल आउटलुक तो वीक ही रहेगा।